तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपका ओल्ड एम्प्लॉयर होगा अगर वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कर रहा तो उस केस में क्या कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस आपके पास सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स है, आपका PF कट रहा है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास फॉर्म 16 है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना ही होता है। बॉन्ड एग्रीमेंट होता है विद दी ऑडिटर्स, उनका जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका क्लियर करना ही पड़ता है, नो डाउट। बट इन केस लाइक सम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर दी एक्स एम्प्लॉयर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि उस कंपनी को रीच आउट करो, उस कंपनी से फॉलो अप लो, HR से बात करो, एंड अगर आप चाहो तो कंज्यूमर फोरम में उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हो। बट ये बात याद रखना कि आपके आपके एंड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या आप कभी किसी कंपनी में कोई किसी भी तरीके का मिसबिहेव करके आप ना निकले हो वहाँ से, तभी उस केस में ही कंज्यूमर फोरम में जाएं, कि आपका टाइम भी बर्बाद होगा एंड पैसे भी बर्बाद होंगे, जाहिर सी बात है। तो उस केस में आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड एक दूसरा सिचुएशन जो होता है वहाँ पे क्या कि कई बार कंपनीज में आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होती है, आपके पास किसी भी तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, आपका PF भी नहीं होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है, आपका फॉर्म 16 नहीं होता, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होते हैं तो उस केस में आपको कंपनी को ही पिच करना पड़ेगा, कंपनी को ही बोलना पड़ेगा, उनसे ही फॉलोअप लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी उनके रिकॉर्ड में नहीं निकलेगा कि आपने उनके यहाँ जॉब करी है। जब तक आपका एम्प्लॉयर ID ना हो, आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो उस केस में आप सिर्फ कंपनी को पिच कर सकते हो, आप कंपनी से फॉलोअप ले सकते हो, वहाँ के HR से बात कर सकते हो। बट जनरली मैं आपको बोलूँ ये होता नहीं है। अगर किसी कंपनी से आप निकले हो बाहर तो आपका वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर कर देते हैं, चाहे आपका टर्मिनेशन हुआ, अब्सकॉन्डिंग हुआ हो, फायर हुआ हो, या प्रॉपर रिलीविंग के साथ आप आए हो, कुछ भी होगा। अगर टर्मिनेशन हुआ तो टर्मिनेशन का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, अगर रिजाइन हुआ तो रिजाइन का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। 1% के केस में कई बार कंपनीज नहीं करती हैं, तो आप उनसे फॉलोअप ले सकते हो, एंड जो मैंने आपको तरीका बताया आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।